गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सर हमने 22 तक के सम कंप्लीट कर दिए, अब हमें 23 से आगे बढ़ना है। ओके, तो 23 से अगर आगे बढ़ना है तो 23 किस टाइप का सम है वो हमें समझना है, कुछ नया समझना है आज। ठीक है, एक नया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन? ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमें इतना पता है कि सर किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो जो आंसर है वो एक फंक्शन होगा। यस, सही है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही है, किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डियर जो आंसर मिलेगा वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए तो जो आंसर होगा वो भी एक फंक्शन होगा। लेकिन अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। ये फंक्शन जिस वेरिएबल का है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, डेट मीन्स ये एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन जिस वेरिएबल का है उस वेरिएबल की वैल्यूज रख दो आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से लानी है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको इंटीग्रेशन की साइन के ऊपर और नीचे एक एक वैल्यू दी गई होगी, कोई भी हो सकती है वो। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यू है आपको पहले इंटीग्रेशन तो करना ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हमें जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करना है, और फिर ये जो फंक्शन मिला उस फंक्शन में आपको एक बार एक्स की एक वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू, एंड फिर उसी फंक्शन में एक्स की दूसरी वैल्यू रख के दो आंसर फाइंड करने हैं, और वो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, कंपलसरी सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो उससे आपको एक वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू मिला है उसी को हम कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब तक हम सिर्फ इंटीग्रेशन करते थे, अब उस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यूज भी निकालनी है। सर ये कहाँ यूज़ होता है? उसके प्रैक्टिकल सम्स भी आएंगे, लेकिन हमें फिलहाल अभी ये समझना है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। ओके सर, तो ये इसका देखो फॉर्मूला है, आपको समझ में आना चाहिए। एक सम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक सम से। ओके, सम नंबर 23। अब देखो ये सम देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम कुछ इस तरीके से होगा। अप टू 22 आपने देखा तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू है। एग्जाम में बताया नहीं गया होगा कि ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है या नॉर्मल सम है। ठीक है, आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है या नहीं। ठीक है, ओके, तो सर इसे करेंगे कैसे? तो चलिए, वो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज है, इंटीग्रेशन का कोई चेंज नहीं है। इंटीग्रेशन जिस तरीके से करेंगे, जो फॉर्मूलाज हमने अभी तक सीखे हैं वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो सम है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 × 2 हमें दिया गया है, x² + x - 1 × dx। सबसे पहला चेंज, आपको इन सभी टर्म्स को इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 22 सम करने के बाद आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है वो समझ में आ गया। ठीक है, उसमें हम सभी टर्म्स को इंडिविजुअल करते थे। ठीक है, सभी को इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल करते थे, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको पता है x² का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, -1 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो डायरेक्टली करना है आपको। ठीक है, सो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, और उसे एक बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। सो x² का इंटीग्रेशन होगा सर x³/3। यस राइट, ये तो हमें पता ही है। प्लस बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2। ठीक है, यहाँ पे x⁻¹ है तो उसमें 1 ऐड करेंगे, उससे ही डिवाइड करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, माइनस है तो माइनस में आएगा, और हम लिखते थे प्लस सी। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता था उसमें हम प्लस सी फॉर कांस्टेंट यूज़ करते थे। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें सी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर
लिखना नहीं है और आप लिख रहे हो यस, ये समझाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं लिखना है। ओके ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है लेकिन फर्स्ट सम में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन हो गया। ओके सर, यानी हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ है, कौन सी वैल्यू है, एक है 4 और एक है 2। तो ये दोनों वैल्यू आप इस फंक्शन में रख दो, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो फंक्शन जब भी मैं छोटे बच्चों को जब फंक्शन चैप्टर करवाता हूँ, अभी तो 11th में आ गया है वो, ठीक है, फंक्शन चैप्टर में दो चीज़ हमें समझनी है, सिर्फ दो चीज़। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, अभी वो एक्स का फंक्शन है, तो अगर आपके पास एक्स की वैल्यू है, अगर आपके पास एक्स की वैल्यू है तो वो आपको फंक्शन की वैल्यू देगा। यानी इस फंक्शन में अगर एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दी जाए तो वो आपको फंक्शन का वैल्यू देगा, और अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू है डियर तो वो आपको एक्स की वैल्यू देगा। इस दो टाइप के सम के अलावा एक भी सम फंक्शन में नहीं आता है, यानी फंक्शन चैप्टर सिर्फ समझना है बस इसके लिए, ठीक है, और वो सब में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है डियर। ठीक है, यहाँ पे आपको इस फंक्शन में एक बार 4 रखना है, एक बार 2 रखना है एक्स की जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, 4³/3 +4² / 2 -4+c। ठीक है, अब इसी फंक्शन में मुझे 2 रखना है, अब इसी फंक्शन में मुझे 2 रखना है, सो 2³/3 +2² / 2 -2+c। ओके, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, ये याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना, ये दो वैल्यूज जो मिलेगी आपको उसका सब्सट्रैक्शन आपको करना है। ठीक है, चलिए फाइनली आंसर ढूंढते हैं क्या मिलेगा। तो बताइए 4³ क्या होता है, कैलसी है वो तो बता सकते हो आप इजीली। तो सर 4³ होता है 64, यस, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और 3 तो हमें ऐसे ही मिलेगा, 4² हो जाएगा 16/2 -4+c। ठीक है, यहाँ पे 2³ हो जाएगा 8 और 3 प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आपको भी समझ में आ गया, 16/2 कितना होगा, 8 होगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 2² 4, 4/2 2 हो जाएगा -2+c। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब हो रहा है 64/3 और 4 में 8 - 4 डेट इज़ 4+c। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो गया, सो 8/3 सॉरी ये 3 आएगा +c। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो कैसे होगा, 3 × 4 = 12 और ये 12 64 में ऐड हो जाएगा, सो 76 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76/3 +c। ठीक है, और यहाँ पे तो वो जो है 8/3, ये बार बार c क्यों आ जाता है, ओके +c, जिसको हमें लिखना नहीं है वो बार बार आ जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी वही चल रहा है ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए अब दोनों ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर दूं डियर, तो ये हो जाएगा 76/3 +c। अब देखो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आप समझ सकते हो, अगर इसके आगे माइनस का साइन है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, राइट, सो ये हो जाएगा -8/3 और -c। अब आपको मैंने जो पहले बताया था वो पता चल गया होगा, सर यहाँ पे देखो c कैंसिल हो जाएगा, अब जो लास्ट में कैंसिल ही हो रहा है उसको पहले लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ याद रखो आप कि आपको c पहले से ही नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल है, ओके, और इवन लिखोगे तो लास्ट में वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों लिखना, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा टर्म्स आ रहा है, इतना बड़ा हमें फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करें तो 76 - 8, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 76 - 8 कितना हो जाएगा, 68/3, और देखो मेरा आंसर बुक के आंसर के साथ अच्छे से मैच हो रहा है, यस सर आंसर मैच हो रहा है। तो ये होता है डियर डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ तक जो हमने किया दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, और फिर जो हमने कैलकुलेशन की वो थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन। ओके, तो
क्लियर हो गया। चलिए और सम करते हैं। ओके, अब ये सम है हमारे पास, ठीक है सर, ये भी कर लेते हैं, ठीक है, ये सम भी कर लेते हैं। ओके, सो हमारा सम कुछ इस तरीके से है, हमें वैल्यू दी गई है 1 and -1 और 2x² and x³, ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। चलिए अब उसमें इंटीग्रेशन पहले तो कर लेते हैं हम। सो इंटीग्रेशन होगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 कोफिशियंट है यहाँ पे x² का, और x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3। देखो इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, डेट मीन्स आपने अप टू 22 सम जो है वो क्लियर नहीं किए हैं, तो डियर पहले वो क्लियर कर लो, उसके बाद ये सब ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन क्या है, कैसे करते हैं, वो समझ में नहीं आएगा तो ये डेफिनेट तो फिर उसके आगे जाना है, ठीक है, तो वो पहले क्लियर कर लो आप लोग। ओके, और यहाँ पे आएगा x^4/4, ठीक है, और इसमें मुझे 1 and -1 रखना है, -1 रखना है। ओके, देखो सिंपल है, तो चलिए रख देते हैं वैल्यूज़, कितना इजी है सर, यहाँ पे 1 रख दीजिए आप, यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, ठीक है, और फिर उसी में एक बार -1 रख दीजिए, -1^3/3, -1^4/4, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, चलिए गुड, बताइए 1³ सर, 1 होता है 1 × 2, 2/3, ओके, 1^4, 1/4, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 1 − 1³ − 1 होगा, और -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो -2/3, और बताइए -1^4, देखो इवन पावर होगी तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और ऑड पावर होगी, यहाँ पे देखो ऑड पावर है, ठीक है, तो वो माइनस ही रहेगा, सो यहाँ पे 1 आएगा / 4। ओके, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, अब इन दोनों का प्लस माइनस कर दो, इन दोनों का प्लस माइनस कर दो, वही जो आंसर मिल रहा है उनका सब्सट्रैक्शन कर दो, या फिर देखो आप दोनों में जनरली टर्म्स इक्वल लग रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो फंक्शन है, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। 2/3 − 1/4, अब ये माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, सो +2/3, और ये हो जाएगा +1/4, तो देखो ये 1/4 तो हो गया कैंसल, ठीक है, जो बाकी रह गया 2/3 + 2/3, डेट इज 4/3, तो वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा आंसर होगा, देख लीजिए आप 4/3 आंसर आ रहा है, ठीक है, इजी लग रहा है सर, बहुत इजी लग रहा है, ये तो कुछ डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए थोड़े बहुत सम करेंगे, फिर तो आप बोलोगे सर हम कर लेंगे, लेकिन मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाना। ओके, सो 3 and -3, ओके, 11 + 2x² + x^5, ओके, सॉरी नॉट 5, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके, चलिए पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बताइए 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 11 का इंटीग्रेशन होगा 11x, यस, यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, और प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा x^5/5, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बार 3 और एक बार -3 रखना है, ठीक है। ओके, सी नहीं लिखा, मैंने एक्सप्लेन कर लिया क्यों नहीं लिखा, ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं। चलिए, सो 11 × 3 + 2 3/3/3/3 + 3/5/5, ओके, माइनस, अब -3 रखते हैं, 11 × -3 + 2 − 3/3/3, ठीक है, और प्लस −3/5/5, देखो ये आंसर मिला हमें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 × 3 = 33, ओके, 3/3 = 9, अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सर, सॉरी 3/3 डेट इज़ 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 × 2 = 18, सो यहाँ पे 18 आएगा। अच्छा, 3/5 कितना होगा, सो सर 2/43, यस 2/43 होगा,
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243. सो ये हो जाएगा 243/5. ओके, माइनस यहाँ पे बताइए क्या आएगा सर, -33 आएगा. ये -27 हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो -9, -9 इंटू 2 डेट इज़ -18, राइट. और यहाँ पे भी 243 आएगा लेकिन माइनस में आएगा, सो -243/5. ओके, अब थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो कर लेते हैं. जैसे 33 + 18 डेट इज़ 51 +243/5 माइनस, यहाँ पे भी 51 होगा लेकिन माइनस में होगा, राइट. ठीक है, और 243/5. चलिए दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. सो 51 + 243/5. ओके, माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा, +51 और +243/5. ठीक है, अब देखो सभी प्लस है तो सबका एडिशन होगा, तो 51 51 200 102 हो जाएगा, और ये दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो हो जाएगा 6 8 and 4/5. ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये आंसर मिलने वाला है हमें 5 2 ज़ा 10. ओके, अब इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 9 and 9. देखिए 9 9 6/5, ये हमारा आंसर हो गया. कितना इजी है. ठीक है, यस सर इसमें मैथमेटिक्स बहुत है. यस वो तो है ही, स्टेटिस्टिक्स तो मैथमेटिक्स का पार्ट है तो वो तो रहेगा. ओके, 25 कंप्लीट हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम करते हैं हम 26. ओके, इसमें हमें 4 and 2 दिया हुआ है और ये है 3x - 2 raised to 2. बताइए किस तरीके से ये सम आप सॉल्व करोगे. सर ये तो सिंपल है, इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका आंसर फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे. यस 100% आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और फॉर्मूला है, आपको पता है 9th फॉर्मूला. ठीक है, जिसमें ax + b raised to n वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे आप 3x - 2 raised to 3 होगा, यस सर होगा, अपॉन 3 इंटू जो x का कोफिशेंट है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, और इसमें हमें 4 and 2 रखना है. याद आ गया कुछ? यस सर, फॉर्मूला मैंने बोला था आप सामने रखो अपने ये सब चैप्टर करते समय. अगर याद रह गया है तो डेट इज़ गुड, अगर याद नहीं रहता है तो उसको सामने रखो और फिर सब चैप्टर देखो. ठीक है, सो फाइनली 3x - 2 raised to 3/9 ये हमें आंसर मिला. अब इसमें हमें एक बार 4 रखना है, एक बार 2 रखना है. चलिए एक बार 4 रख देते हैं, तो डायरेक्ट हम रखते हैं. देखो कैलकुलेशन हमें आता है तो क्यों बड़ा बड़ा स्टेप लिखना. ठीक है, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 - 2 10, 10 raised to 3 कितना हो जाएगा सर, 10 raised to 3 हो जाएगा 1000/9 तो आएगा ही माइनस. अब इसमें ही 2 रख देते हैं तो बताइए 2 3 ज़ा 6, 6 - 2 4, 4 raised to 3, 4 raised to 3 क्या होगा सर, 64 हो जाएगा. यस, तो 64/9. देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. मैंने क्या किया आपको पता चल गया? यस सर, नहीं पता चला होता तो भी आप क्या करते, हम तो वीडियो देख रहे हैं आपके. सही है, ठीक है, लेकिन 100% पता चल गया होगा आपको. ठीक है, अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर इक्वल है सो डायरेक्टली 1000 - 64/9. अब ये हो जाएगा आई थिंक 936/9. अब 936 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 1 ज़ा एंड 9 4 ज़ा. ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर से करना, अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे तो मेरे बहुत बच्चे ये इसका आंसर 14 देते हैं. ठीक है, ये ज़ीरो खा जाते हैं तो आप ये मत खाना, कैलकुलेटर का पूरा यूज़ करना. ठीक है, सो 104 ये हमारा सही आंसर है. ओके गुड, चलिए 26 तक कंप्लीट हो गए. ओके, अब ये सम हमें करने हैं. अब इस सम को करने से पहले मैं आपको लॉग के थोड़े बहुत रूल्स बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमने 9th रूल देख पढ़े अभी इंटीग्रेशन का इस बार देख रहे हैं. ठीक है, तो उस फॉर्मूलाज में आप ये लॉग के फॉर्मूला भी रख दो. ठीक है, अब लॉग के बेसिक
तीन या चार फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने इसमें यूज होंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है। अगर ऐसा कोई टर्म है जिसमें दो टर्म्स हैं, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर उससे लॉग मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली लॉग एम से मल्टीप्लाई होगा और लॉग एन से मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है वो चेंज हो जाएगी डियर प्लस में, ये याद रखना, ठीक है। और इसका उल्टा भी याद रखना है, उल्टा यानी ये बोर्ड को मुझे उल्टा नहीं करना है। ये इक्वल टू की साइन हमें क्या कहती है, अगर इसके इक्वल टू ये होता है तो डियर इसके इक्वल टू ये होना चाहिए, यस। अगर इन दोनों में लॉग है और इस लॉग को अगर आप कॉमन ले लोगे तो बाकी क्या रहेगा, एम एन एंड रहेगा। तो उसमें अगर लॉग को कॉमन ले रहे हो तो ये जो प्लस साइन है वो मल्टीप्लीकेशन की साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना, अगर लॉग मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेशन की साइन प्लस हो जाएगी, और अगर लॉग कॉमन आएगा तो प्लस की साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर m अपॉन n दिया हुआ है, सेम रूल, नो चेंज, लॉग m से मल्टीप्लाई कर लो, लॉग n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन जो डिवीजन की साइन है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। पुराने कोर्स में लॉग थे, अभी तो आपने शायद लॉग नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं क्यों निकाल दिया, और आपको ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन देखो इस टाइप के चैप्टर में ये लॉग का यूज़ आता है, ठीक है। तो लॉग का थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए, और बहुत सिंपल है, तीन चार रूल है, बस उसको याद रखने। तो देखो लॉग अगर इस टाइप के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवीज़न की साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका उल्टा, अगर इसमें से लॉग कॉमन आएगा तो जो माइनस साइन है वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर लॉग किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई होगा जिसका पावर दिया हुआ है, यहाँ पे एन पावर में, ठीक है। सो ये जो पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगा, ये रूल है सब, ठीक है। वो लॉग के क्या आ जाएगा, आगे। वैसे अगर आप इसमें से लॉग को बाहर लेना चाहते हो तो ये जो आगे नंबर दिया हुआ है वो एम के पावर में चले जाएंगे, ठीक है। ये सब बहुत काम लगेगा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ओके। और एक सिंपल सा फंडा होता है लॉग ई। अब लॉग का ये रूल है कि अगर बेस और लॉग वैल्यू दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, यानी लॉग ई ऑलवेज क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप याद रखोगे, मैं चाहता हूँ आप ये लिख लीजिए, रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख के ये लिख लीजिए, और उसके बाद ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं सम को हमारे। चलिए गुड, अब इस सम की बात करते हैं। सर सम में क्या दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है इंटीग्रेशन टू वन, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स। अब ऐसा एक सम मैंने अप टू 22 वाले सम में करवा दिया है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडिविजुअल टर्म्स हमें चाहिए, ये इंडिविजुअल टर्म्स हमें चाहिए, ये तो पूरा एक टर्म है, ठीक है, पर इन सभी को अलग अलग चाहिए हमें, ये अलग अलग करके लेना है। तो सभी को हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा x, 2x को अगर x से डिवाइड करूँगा तो 2, और 5 को अगर x से डिवाइड करूँगा तो 5/x। देखो ये पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, तो आपको पता ही है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कांस्टेंट जो होता है उसमें x आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माय डियर 5 log x, याद आ गया कुछ, यस, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और 5 तो उसका कोफिशियंट है, ठीक है। अब इसमें हमें 2 और 1 वैल्यू रखनी है, तो चलिए रखते हैं, चलिए रखते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे 2 रखूँगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे रखूँगा 2 इंटू 2, यहाँ पे रखूँगा 5 log 2, ठीक है, ओके। अब 1 रख देंगे हम, 1 रख देंगे, सो माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 log 1, ओके, ये हो गया।
राइट। चलिए अब फाइनली क्या मिलता है हमें, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 log 2, ये हो गया। ठीक है, माइनस ये 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन 2 प्लस 2। अब ये याद रखना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, फिक्स है। अब log टेबल अगर देखोगे तो उसमें ये याद रखना है आपको, log 1 ऑलवेज 1 होगा, 0 होगा। ठीक है, सो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0, डेट्स इट। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, 6 प्लस 5 log 2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 पर क्या मिलेगा, माइनस, माइनस 5 अपॉन 2। ओके, अब ये जो माइनस 5 अपॉन 2 है वो इसके साथ कभी प्लस माइनस नहीं होगा, याद रखना, सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर को प्लस माइनस करना है आपको। सो 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस 5 7, सो हमारा आंसर होगा 7 बाई 2 प्लस 5 log 2। और यहाँ पे देखो बेस दिया हुआ है आंसर में, तो आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। आप बोलोगे सर इसमें वो लॉग के आपने फार्मूलाज बताए वो तो आए नहीं, आएंगे, डोंट वरी, आएंगे आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नया आ गया हमारे लिए, लॉग 1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए आगे बढ़े, ग्रुड। ओके सर, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पहले तो सम बहुत बड़ा है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ओके, सो सम कुछ ऐसे है, -1 एंड -3, और ये है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। हाँ, एक इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन इंटीग्रेशन कर पाओ वैसे तो टर्म बनाना पड़ेगा। सो ये जो है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, यस सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, सॉरी ये 2 कहाँ चला गया, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लो आप। तो x^-2 हो जाएगा x^-1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा x^-2 अपॉन -2, और उसमें आपको -1 एंड -3 लिखना है, रखना है। ठीक है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन से प्रॉपर कर लेते हैं। -1 अपॉन ये x की पावर जो -1 है उसे प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन 2x² हो जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको, क्योंकि अगर इसमें आप ये वैल्यूज रख दोगे तो आप कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। पहले प्रॉपर आंसर फाइंड करना है, उसके बाद हमें वैल्यूज रखनी है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। सो -1 अपॉन -1, 1 अपॉन 2 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन -3, 1 अपॉन 2 -3 रेस टू 2। ओके, चलिए फाइनली क्या मिला, -1 अपॉन -1 डेट इज +1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, सो ये होगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, डेट मीन्स 9 प्लस 9, 9 टू ज़ा 18। ओके, ठीक है, अब प्लस माइनस कर देते हैं, देखो, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, माइनस इन दोनों का क्या होगा, अगर 18 में एलसीएम ले लूँ, ठीक है, सो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 और 1 7/18। ठीक है, अब एलसीएम फिर से मैं 18 ले लूँ तो ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 ज़ा 27 -7। ठीक है, सो 20 अपॉन 18 डेट इज 10/9, और ये हमारा आंसर है। ओके, इजी लग रहा है सर, इजी तो लग रहा है, इंटीग्रेशन तो आ गया, लेकिन अब ये कुछ नया लेके आ गए हो आप, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यस, ये मैं खुद के लिए बार बार कहता हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये खुद के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर ये सम कर लेते हैं, देखिए बहुत इजी सम है ये तो। ठीक है,
सबसे पहले आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन dx ऊपर क्यों बैठा है, अरे भैया ऊपर बैठे बाजू में बैठे क्या प्रॉब्लम है, एक ही है वो, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ x^-1/2, यस लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते हो। देखो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 है और वो डिनोमिनेटर में, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम उसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। ओके ठीक है, ओके सर। अब इंटीग्रेशन कर लो यार, तो एक्स की हाफ पावर में अगर 1 प्लस करेंगे तो हाफ ही रहेगा अपॉन हाफ, ठीक है, और इसमें 4 and 1 रखना है। अब बताओ ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और x^-1/2 का मतलब ही होता है रूट एक्स। देखो जैसे रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, वैसे x^-1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। अब इसमें हमें 4 and 1 रखना है। सर ये तो छोटा सा सम लग रहा है, यस बिल्कुल छोटा सा सम है, तो 2 into root 4 - 2 into root 1। क्या किया मैंने इस फंक्शन में, x की जगह पे 4 and 1 रख दिया और दोनों को माइनस कर दिया। बताओ रूट 4 क्या होता है, 2, 2 2 4, रूट 1 क्या होता है 1, 1 2 2, सो आंसर विल बी 2। कितना इजी है सर, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस अभी भी हमारे पास सम है, बताइए अब इसको क्या करेंगे। चलिए करते हैं, सबसे पहले सम हमारा कुछ इस तरीके से है, 10 and 6, 1/(x+2)dx, ये हमारा सम है। अब आप मुझे ये बताइए 1/(x+2) का इंटीग्रेशन कैसे होगा। सर 1/(x) का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/(ax+b) का जो इंटीग्रेशन होता है उस फॉर्मूला से हम ये इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन होगा log x+2 अपॉन, अगर x का कोई कोफिशियंट है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है तो उसे डिनोमिनेटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली 10 and 6 रख दो, ठीक है। चलिए अब इस फंक्शन में आपको x की जगह पे 10 और 6 रखना है, तो आप मुझे खुद बताइए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 10 रखूँगा तो 10+2 क्या हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, माइनस अब मैं x की जगह पे 6 रखूँगा तो 6+2 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, यस। क्या ये आंसर है? हाँ ऐसे देखने जाए तो ये आंसर है, लेकिन मैंने फॉर्मूलाज बताए लॉग के, आपको कंपलसरी आपको लॉग कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे आप लॉग कॉमन लोगे तो बाकी रहेगा 12 and 8, तो मैंने बताया था अगर माइनस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, यस। सो ये 12/8 हो जाएगा, और 12/8 का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 4 3s and 4 2s, और आप आंसर को मैच कर लीजिए, कितना सही है, कितना अच्छा है। हाँ सर देखो लॉग के भी यूज़ आ गए इसमें, ठीक है, यस। बहुत अच्छा चैप्टर है ये मैं 11th साइंस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, साइंस में भी ये आता है, 11th 12th साइंस में भी ये आता है इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये साइंस के चैप्टर है बेसिकली, तो इसमें आएगा ये सब तो आएगा ही। अच्छा है इसमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है, ठीक है, हमारे कॉमर्स वाले बच गए, अगर इसमें ट्रिगोनोमेट्री आता था तो ये बहुत ही टफ चैप्टर हो जाता। ओके चलिए सिंपल सा सम है, देखो इंटीग्रेशन 2, 1। अब ये सब सम तो मुझे आपको होमवर्क में देने चाहिए, पर ठीक है अब मैं करवा लेता हूँ क्या है इसमें, ठीक है। देखो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा सर, ax+b^n वाला फार्मूला यूज़ होगा, यस। तो अगर वो वाला फार्मूला यूज़ होगा तो x+3^4/4 और x का कोफिशियंट होता तो वो 4 के साथ आता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दो उसको, और 2 and 1। अब इसमें हमें x की जगह पे 2, चलिए एक स्टेप में लिखता हूँ, 2+3^4/4, देखो मैंने वैल्यू रखा 2, अब मुझे 1 रखना है, सो 1+3^4/4, ठीक है, और दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। अब आप खुद बताओ 2+3 क्या होता है, 5, 5^4, 625 by 4, 1+3 क्या होगा 4, 4^4 क्या होगा 4^4, 4^3, 64 होता है, तो 64, 4, 4 = 16, 1, 4, 6 = 24, और 1, 256/4, देखो ये 4 से डिवाइड होता है,
एक्चुअली ये 4 से डिविजिबल है लेकिन मैं नहीं करूँगा, रीज़न दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है तो रहने दो भैया, ठीक है 4 को ऐसे ही रहने दो, ये 625 माइनस 256 कर लो, आंसर होगा यहाँ से देख के मैंने बता दिया 369 बाय 4, ये आंसर हो गया, ठीक है देखो कितना इजी हो। अब ये डिविजिबल नहीं है 4 से, तो यही आंसर है हमारा। ओके इजी है सर, बहुत इजी है सम। चलिए ये वाला सम 32 देख लेते हैं कैसे करेंगे 32। ओके सो इंटीग्रेशन 3 n 2 ई रेस टू 2x दिया हुआ है। अब आपको पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ई रेस टू एक्स ही होता है, लेकिन 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 ई रेस टू ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, यानी एक्स का अगर कोफिशियंट है तो वो डिनोमिनेटर हमें चाहिए, हो गया। चलिए अब इसमें 3 n 2 रख देते हैं, आप खुद बताइए अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे तो सर ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर x की जगह पे आप 2 रखोगे तो सर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली अगर दोनों ब्रैकेट हम ओपन कर दें तो e रेस टू 6/2 माइनस e रेस टू 4/2। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो एक तो डिवाइड अपॉन 2 तो कॉमन निकल ही रहा है, साथ में आप देख सकते हो e की मिनिमम जो पावर होगी वो कॉमन निकलेगी तो वो 4 है, सो e रेस टू 4 कॉमन निकल रहा है, तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे 2 पावर रह जाएगी और यहाँ पे तो ये पूरा कॉमन निकल गया तो 1, तो देखो वही आंसर है, ठीक है। ओके 32 भी कंप्लीट हो गया, बहुत छोटे छोटे सम है देखा आपने। चलिए 34 गुड, ये सम अच्छा है, फिर 35 एंड 36। ओके यहाँ तक के हमें सम अब देखने हैं, ठीक है 34। अब ये सम आप कैसे करोगे, ठीक है बहुत अच्छा सम है, बहुत अच्छे से समझना इसको। इस टाइप के सम हमने आगे देख लिए हैं, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लिख लेना है tan 6 एंड x माइनस 2 अपॉन x अपॉन x प्लस 2 dx। देखो अब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको पहले इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करने के लिए उसके जैसा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमारे जो 9 रूल है उसमें से एक भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, यस सर, तो फिर क्या करेंगे, तो उसे उस टाइप का बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो ही नहीं पाएगा इंटीग्रेशन, कोई रूल ही एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। हाँ सर ऐसा एक सम आपने आगे करवाया, एक नहीं दो तीन सम करवाए, ठीक है। देखो मैंने माइनस 2 को स्प्लिट किया, कैसे स्प्लिट किया, प्लस 2 माइनस 4, प्लस 2 क्यों रखा मैंने, मुझे वो चाहिए, और फिर उसमें से ऐसी वैल्यू माइनस की जिससे हमें फाइनली मिले तो माइनस एक्स 2 ही, ठीक है। तो देखो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखना आप 10/6। ओके ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 और माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, देखो इंटू डी एक्स। सो फाइनली मुझे क्या मिला, 10 and 6, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, ये मिला मुझे। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है माय डियर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 कोफिशियंट है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 2, ठीक है, और इसमें हमें 10 और 6 रखना है, समझ में आया कुछ, ठीक है सर। यहाँ पे कुछ डिवीज़न में नहीं आएगा, x का कोफिशियंट होता तो ले लेते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, चलिए वैल्यू रख देते हैं, सो ये 10 रखेंगे तो 10 माइनस 4 लॉग, अगर यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है माइनस, अब यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 6 माइनस 4 लॉग, यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, सो 10 माइनस 4 लॉग 12 माइनस 6 प्लस 4 लॉग 8। ओके अब आपको ये तो पता है 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4, चलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में से
सर लॉग कॉमन निकल रहा है, हाँ भैया लॉग कॉमन निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसका जो कोफिशियंट है 4 वो कॉमन निकल रहा है, साथ में इसकी साइन माइनस है वो कॉमन निकल रही है, सो यहाँ पे हम माइनस 4 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, याद रखना इन दोनों टर्म में से माइनस 4 को मैंने कॉमन लिया है, याद रखिए। अब अगर मैं माइनस 4 को कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, लॉग 12, और यहाँ पे जो ये प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगी माइनस में, ये लॉग का रूल नहीं है याद रखना, ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप किसी टर्म में से माइनस को कॉमन निकाल रहे हो तो बीच में साइन चेंज होगी, जो भी होगी प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी और माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग 8, ओके। अब आप इन दोनों में से लॉग को कॉमन निकालिए, सो 4 माइनस 4, अगर लॉग को मैं कॉमन निकाल लूँ तो आपको पता है क्या होगा, 12/8, और 12/8 देखो 4 से डिविजिबल है दोनों, तो 4 माइनस 4 लॉग 3/2, तो देखो ये आंसर मिल गया आपको। आप बोलोगे सर मैच नहीं कर रहा है, उसने इन दोनों में से भी 4 कॉमन निकाला है, अगर यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 3/2, देखो वो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ समझने जैसा था, ठीक है। पहले कोफिशियंट अगर है तो उसे कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला टर्म माइनस है और दूसरा प्लस है, तो पहले तो ये आगे वाला साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना है, एक दो बार ये टॉप ये जो पार्ट है वो फिर से एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया, ओके। आएंगे ऐसे सम, अभी हमारे पास दो है, देखो उसी के जैसा सम क्या करेंगे इसमें, सर इसमें वैसा ही कुछ करेंगे, ठीक है, 10 एंड माइनस 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 12, यस सर लिख सकते हो आप, क्योंकि 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा और हमें x प्लस 6 की ज़रूरत है, और इन दोनों को मैं x प्लस 6 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक है, देखो ओके dx। अब सर 10 माइनस 2, अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12/x+6, ठीक है, ओके। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, तो सर इसका इंटीग्रेशन तो अभी किया था वैसे ही होगा, x माइनस 12 log x प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा ओके। उसमें हमें 10 और माइनस 2 रखना है, ये कभी कभी टेक्नोलॉजी परेशान भी कर सकती है, ओके। देखिए यहाँ तक मैं आपको ले आया, अब आप क्या करोगे सर, अब वैल्यू रख दीजिए, आप एक काम कीजिए यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है। देखो मैं 10 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, 10 माइनस 12 log 16, कैसे है? आप समझो 10 यहाँ पे रखा, 10 प्लस 6 क्या हो गया, 16। अब माइनस 2 रख देते हैं तो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 12 log। अब आप मुझे बताओ अगर ये माइनस 2 एक्स की जगह पे यहाँ रखेंगे, माइनस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, ओके। चलिए दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो 10 माइनस 12 log 16 प्लस 2 प्लस 12 log 4, ओके। अब देखो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12। अब याद कीजिए क्या किया था हमने लास्ट टाइम इसमें से, सर आपने किया था दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है और वो भी माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 12 को आप पहले तो कॉमन ले लीजिए, सो हमें मिलेगा log 16 और ये साइन चेंज होगा ही होगा, माइनस log 4, ओके। अब इन दोनों में से आप log कॉमन ले लीजिए, देखिए उसी के जैसा कुछ कुछ सम है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/4, क्यों हो गया ये, बिकॉज माइनस साइन है वो चेंज हो जाएगा डिवीजन में, 16 को 4 से हमें डिवाइड करना है, सो फाइनली देखिए हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि 16 तो 4 से डिविजिबल है तो आएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे बेस लिख सकते हो आप ही, ओके, तो ये हो गया सम हमारा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, लास्ट सम आज के लिए हमारा, तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, नहीं पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? सर इसमें होगा 25 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4। यस सर, आपने नाइन्थ फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन 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 नाइन्थ फार्मूला में एक और चीज़ भी है कि एक्स का अगर कोई कोफिशियंट है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं है। भैया है, देखो माइनस वन है, ठीक है, सो माइनस वन डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आया ये माइनस क्यों लिखा मैंने? ओके ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसमें एक बार 15 रख देते हैं, एक बार 10 रख देते हैं। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 25 माइनस 15 डेट इज़ 10, 10 रेस टू 4 10,000 अपॉन माइनस 4, ये आपका फर्स्ट वैल्यू आएगा। अब 25 माइनस 10 डेट इज़ 15, 15 रेस टू 4 अगर कैलसी मिल जाए तो ठीक है, कैलसी भैया मिल जाओ। हाँ मिल गया कैलसी भैया, ठीक है। सो 15 इंटू 1, 2, 3 ओके, सो हाँ 50,625 ये आंसर आया अपॉन माइनस 4। देखो मैंने क्या किया, ठीक है, पहले मैंने 15 रख दिया, फिर 10 रख दिया x की जगह पे। अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10,000 अपॉन 4। ये एक्चुअली डिविजिबल है लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, और ये माइनस माइनस प्लस 50,625 अपॉन 4। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, सो माइनस 10,000 प्लस 50,625। अब 50,000 में से 10,000 जाएगा तो 40,625 अपॉन 4 ही आएगा। देखो आंसर आ रहा है, हो गया? यस सर हो गया। तो देखो आज के वीडियो में मैंने आपको अप टू 30 सम 6 सम करवा दिए, ठीक है। बाकी के दो तीन सम क्यों नहीं करवाए सर? वो कुछ अलग टाइप के हैं, उसमें एक अलग सा फॉर्मूला आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। मुझे एक एग्जांपल भी आपको करवाना है जो एक्सरसाइज में नहीं है एक्चुअली, और एग्जांपल में है, और वो सम यूनिवर्सिटी बहुत बार पूछ रही है, ठीक है। सो वो सम हम इसके बाद वाले वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूलाज अच्छे से कर लीजिए। आज कुछ नया सीखा आपने, लॉग क्या होता है, लॉग के फार्मूलाज क्या होते हैं, थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।